यह 3 HP VAPD चिली क्रशर है। ये 3 HP VAPD पैनल है। ये 230 वोल्ट सिंगल फेज पे चलेगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल सप्लाई है, 230 वोल्ट AC सिंगल फेज सप्लाई पे चलेगा। और इसके लिए जो मोटर रहेगी वो एक क्रॉम्पटन की मोटर है। 3 HP स्टार रन रहती है 440 वोल्ट। इसको डेल्टा रन करना पड़ता है तो ये 230 वोल्ट पे चलेंगे। VAPD का जो आउटपुट है ये 230 वोल्ट 3 HP रहेगा। तो मोटर कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट होना चाहिए वरना VAPD नहीं चलेगा। अभी हम आपको शुरू करके दिखाते हैं। ये ऑन कमांड है। ऑन कमांड देते ही ग्रीन बटन जो है ये ऑन कमांड है, यहाँ पे करंट दिखता है। ये ऑफ कमांड है, ऑफ कमांड और ऑन कमांड। ये 230 वोल्ट है, ये इसका करंट अभी जीरो दिखा रहा है। ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है कितने पे मशीन चल रहा है। जैसे ये स्पीड है हम किसको रोगी लोड कर सकते हैं, जैसे हमने 50% किया तो ये 25% पे रख सकते हैं इसको। जैसे शुरू करेंगे तो ये हाफ स्पीड पे चलेगा और यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली फुल स्पीड पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बंद करना है तो एक बार जेंटल बटन बंद कर देना है, मशीन बंद हो जाएगा, एक बार ही दबाना है। तो इसका एक्सलरेशन डिसलरेशन है, शुरू करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। जो अपना सर्ज करंट है उधर दिखा रहा है, तो ये जो है करंट ये 19 amps तक चला जाएगा। अभी लोड डाला है हमने, ये लोड करंट है। एक बार प्रदीप जी शुरू कर दो, एक बार अभी टेक्नीशियन शुरू करके दिखाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। बंद, ढक्कन हमेशा बंद रखना है। मशीन को अर्थिंग कंपलसरी देना है, VAPD को अर्थिंग कंपलसरी लगेगा, वरना नॉर्मली करंट या VAPD माल फंक्शन कर सकता है, ऑटो रिसेट हो जाएगा। तो इस तरह से VAPD मशीन चलता है। ये 3 HP चिली क्रशर है।